यूं तो बेन स्टोक्स को अपना आखिरी वनडे इंटरनेशनल मैच खेले हुए करीब 10 दिन हो गए हैं, लेकिन उनके रिटायरमेंट की न्यूज मीडिया में आने के बाद से लेकर आज तक शायद एक भी दिन ऐसा गया हो जब इस अर्ली रिटायरमेंट पर बात ना हुई हो। फिर वो जगह ऐसी रूम्स हो, मैदान हो, टीवी स्क्रीन हो या फिर चाय की टपरी, फर्क नहीं पड़ता। मगर फर्क पड़ता है तो इससे कि बेन स्टोक्स का रिटायरमेंट क्रिकेट का फ्यूचर बदलने की ताकत रखता है। अभी कैसे होगा और बेन स्टोक्स के रिटायरमेंट के पीछे की पूरी कहानी क्या है, तो चलिए आपको सब कुछ जरा फुर्सत से बताते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं अनुराग सूर्यवंशी क्रिक माइंड के क्रिस्पी अंदाज में बेन स्टोक्स के रिटायरमेंट के पीछे की कहानी और उनके रिटायरमेंट लेने के बाद आने वाले रिएक्शंस से जुड़े हर पहलू पर आज आपसे बात करूंगा। साथ ही अंत में एक ऐसी फैक्चुअल थ्योरी भी आपके सामने रखूंगा जिसमें आपको जवाब मिल जाएगा कि बेन स्टोक्स ने वनडे क्रिकेट से ही रिटायरमेंट क्यों लिया, टेस्ट या T20 इंटरनेशनल से क्यों नहीं। तो दोस्तों, इस पूरी कहानी की शुरुआत हुई 17 जुलाई 2022 को भारत के इंग्लैंड के विरुद्ध मैनचेस्टर वनडे और सीरीज में 2-1 की ऐतिहासिक जीत से। इस जीत के बाद जहां ग्राउंड पर भारतीय टीम ट्रॉफी के साथ जश्न मना रही थी, वहीं उनसे कुछ मीटर की दूरी पर इंग्लिश ड्रेसिंग रूम में बेन स्टोक्स अपनी दुविधा जॉस बटलर को बता रहे थे। बेन के मन में काफी वक्त से चल रहा था कि वो तीनों फॉर्मेट्स को बराबर वक्त नहीं दे सकते और अगर अपने शरीर पर जबरदस्ती करके वे खेले भी तो उनके खेल का स्तर गिरता जाएगा, जिसका सबूत उनके आखिरी 10 वनडे मैचों के आंकड़े दे भी रहे थे, जहां बैटिंग में वो एक 99 का स्कोर छोड़कर बुरी तरह फ्लॉप नजर आ रहे थे। तो बॉलिंग में 10 ओवर का पूरा स्पेल उन्होंने आखिरी बार 2019 वर्ल्ड कप में डाला था। सीधे सीधे कहें तो बेन स्टोक्स के खेल पर क्रिकेट की थकान हावी हो रही थी, जिसे स्टोक्स ने बटलर को पूरी तरह समझाया और जवाब के लिए उनकी ओर देखा। तो बटलर ने कहा, तुमने भले ही मुझे कप्तान मानते हुए अपनी परेशानी बताई हो, लेकिन मैं एक दोस्त के नाते बोल रहा हूँ, तुम्हारा फैसला एकदम सही है और मैं तुम्हारे साथ हूँ। कुछ देर बाद स्टोक्स ने ऑफिशियली वनडे क्रिकेट से रिटायरमेंट की बात कही और 19 जुलाई को साउथ अफ्रीका से होने वाले मैच को अपना आखिरी वनडे मैच कहा। बेन स्टोक्स की इस अनाउंसमेंट के बाद से लेकर 19 जुलाई को चेस्टर ली स्ट्रीट में होने वाले उनके फेयरवेल मैच तक इस अर्ली रिटायरमेंट को बेन स्टोक्स का अपना निजी सोचा समझा फैसला गिना गया, लेकिन तब भी दबे दबे लफ्जों में बढ़ते वर्कलोड की बातें क्रिकेट गलियारों में हो रही थी। इस धीमी धीमी सी सुलग रही आग में घी का काम किया बेन स्टोक्स के पोस्ट रिटायरमेंट के बयान ने, जहां उन्होंने कहा कि हम खिलाड़ी हैं, कोई कार नहीं जो रिफ्यूल होने के बाद दोबारा यूज करने के लिए रेडी हो जाए। इस तरह की और भी स्टेटमेंट्स उस रोज स्टोक्स ने दी जो की टायर्डनेस और फ्रस्ट्रेशन को साफ साफ शो कर रहा था, मगर ये फ्यूल वाली बात सबके दिल में घर कर गई। इसके बाद जॉस बटलर, पैट कमिंस और विराट कोहली समेत कई प्रेजेंट स्टार प्लेयर्स ने अपने अपने अंदाज में स्टोक्स के फैसले का समर्थन किया। तो रवि शास्त्री, रिकी पॉन्टिंग, माइकल वॉन और कुमार संगकारा जैसे बड़े रिटायर्ड प्लेयर्स बढ़ते मैचों वाली बात को रोशनी में ले आए। वैसे तो बेन स्टोक्स ने जब से वो फ्यूल और कार वाला स्टेटमेंट दिया था, बयानबाजी खूब हो रही थी, लेकिन इस दौरान जिस एक खिलाड़ी के बयान ने इस कहानी को नया मोड़ दिया वो थे उस्मान ख्वाजा। उस्मान ने एक चैनल से बात करते हुए बेन स्टोक्स के फैसले को वनडे क्रिकेट के अंत की शुरुआत कही और कहा कि वनडे क्रिकेट इज डाइंग स्लोली। फिर क्या था, उस्मान ख्वाजा की लाइन हाईलाइट हुई। एक्सपर्ट्स ने पीछे मुड़कर देखा तो पता चला कि उस्मान की बात गलत नहीं है, क्योंकि कुछ दिनों पहले साउथ अफ्रीका ने अपने T20 लीग को बेहतर करने के लिए जनवरी में ऑस्ट्रेलिया से होने वाली वनडे सीरीज रद्द कर दी। इसके अलावा बहुत सी टीमें अब अपने खिलाड़ियों को टेस्ट और T20 के लिए सेव करती नजर आ रही हैं, जबकि वनडे मैचों में ज्यादातर नए चेहरे ही दिख रहे हैं। बाकी कम वक्त में इंटरनेशनल मैचों की बढ़ती संख्या भी इंटरेस्ट कम होने की जिम्मेदार है। ज्यादा दूर नहीं जाते हैं, आप जरा IPL के बाद से लेकर अब तक इंग्लिश टीम का शेड्यूल ही देखिए। वो करीब 2 महीनों में नीदरलैंड्स, न्यूजीलैंड, इंडिया और साउथ अफ्रीका से करीब 2 दर्जन मैच खेल चुके हैं। यही वो मेन वजह हैं जिनके चलते वनडे क्रिकेट का क्रेज धीरे धीरे कम हो रहा है। हालांकि अब इस मुद्दे पर खुलकर बात हो रही है, मगर रवि शास्त्री के कल ही दिए गए बयान के बाद ऐसा लग रहा है कि अब देर हो चुकी है। रवि शास्त्री ने कहा कि वनडे क्रिकेट को बदलने का वक्त आ गया है। पहले 60-60 ओवर के मैच होते थे, अब 50-50 ओवर के होते हैं, तो क्यों ना वनडे क्रिकेट को बचाने के लिए इसे 40-40 ओवर का कर दिया जाए। अब वनडे क्रिकेट के साथ आगे क्या होगा ये तो वक्त ही बताएगा, मगर इतना जरूर है कि बेन स्टोक्स के रिटायरमेंट ने सबको सोचने का मौका जरूर दिया है। तो दोस्तों, ये थी बेन स्टोक्स के रिटायरमेंट और उसके बाद की पूरी कहानी। लेकिन जाने से पहले हम उस सवाल का जवाब आपको देना चाहते हैं जो आपके मन में भी आता होगा कि बेन स्टोक्स ने T20 और टेस्ट क्रिकेट से नहीं, सिर्फ वनडे क्रिकेट से ही रिटायरमेंट क्यों लिया। तो इस सवाल के दो जवाब हैं। पहला जवाब है बेन स्टोक्स का टेस्ट क्रिकेट से प्रेम। उन्होंने पहले भी कई बार इंग्लैंड के लिए टेस्ट क्रिकेट खेलने को अपनी जिंदगी का बेस्ट मोमेंट कहा है,
और अब तो कप्तान भी हैं। हालांकि ये जवाब काफी सिंपल और एक्सपेक्टेड है, लेकिन असली जवाब बेन स्टोक्स के फैन को चुभ सकता है। इसलिए हम आपको बता दें, ये बस एक थ्योरी है जो हमें अपनी रिसर्च के दौरान पता चली। तो दोस्तों, इस थ्योरी का बेस और दूसरा जवाब है पैसा। बेन स्टोक्स के वनडे क्रिकेट से रिटायरमेंट की मुख्य वजह है पैसा, क्योंकि अगर आपको क्रिकेट खेलने में इतनी थकान महसूस हो रही है तो आप 5 दिनों वाली टेस्ट क्रिकेट और कई महीनों बायो बबल में रखने वाली T20 लीग छोड़ दीजिए ना। मगर बेन स्टोक्स ने ऐसा नहीं किया, क्योंकि अगर वो टेस्ट क्रिकेट छोड़ते तो उनके हाथ से पूरे 6.7 करोड़ रुपए जाते। असल बात यह है कि इंग्लैंड में सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट टेस्ट और व्हाइट बॉल के आधार पर मिलता है, जबकि अन्य देशों में वनडे, टेस्ट और T20 के बेस पर कॉन्ट्रैक्ट दिए जाते हैं। तो इंग्लैंड में सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से स्टोक्स को टेस्ट के 6.7 करोड़ और व्हाइट बॉल के 3.1 करोड़ यानी 9.8 करोड़ रुपए मिलते हैं। इसके अलावा इंग्लैंड क्रिकेट की एक और खास परंपरा उन्हें टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने से रोक रही है। वो परंपरा ये है कि इंग्लैंड अपने टेस्ट कप्तान को सालाना सैलरी पर 25% बोनस भी देता है। इस हिसाब से बेन स्टोक्स का टेस्ट क्रिकेट न छोड़ने का फैसला जज्बाती कम समझदारी ज्यादा लगता है। बाकी बात रही T20 लीग की, तो आज के दौर में बेन स्टोक्स क्या कोई भी खिलाड़ी टेस्ट और वनडे के लिए T20 लीग नहीं छोड़ने वाला? ये बात कड़वी जरूर है, लेकिन सच है। तो दोस्तों, बेन स्टोक्स के रिटायरमेंट से जुड़ी पूरी कहानी और थ्योरी इतनी ही है। बाकी आपकी अपनी कोई थ्योरी या जानकारी है तो कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही हमारी कंटेंट क्वालिटी पर भी सजेशन दें। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो तो वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आने वाले समय में ऐसी वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। जल्द मिलेंगे एक नई वीडियो में एक क्रिस्पी स्टोरी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।